लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई है। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवार सड़क पर नहीं आ सकेंगे। सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मलही कहते हैं हेलमेट ना पहनने की बार बार खिलाफ वर्जी पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं शाहिद रिजवी से, जो कि इस वक्त सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मलही के साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा क्या कहते हैं मजीद। जी बिल्कुल, आज से लाहौर शहर में हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस क्रैकडाउन का आगाज आज अलाहू गोलचक्कर जौहर टाउन में किया गया। इस हवाले से मेरे साथ सीटीओ लाहौर मौजूद हैं। इनका कहना है अब जो हेलमेट नहीं पहनेगा वो मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। हेलमेट पहनने से जो है काफ़ी हादसा में कमी वाकया हुई है। इस हवाले से मजीद क्या वाकया है इनसे हम जानते हैं। सलाम। जी वालेकुम सलाम। हमने इस कम्पेन का आगाज़ चंद दिन पहले जो था लाहौर की माल रोड से किया था और अब हम इसका दायरा कार जो है वो पूरे लाहौर में लेके आ रहे हैं। हमें जो मेन एरियाज थे जैसे मॉडल रोड्स थी वहाँ पे बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देखने में आया। शहरियों ने हेलमेट का इस्तेमाल काफ़ी हद तक उन एरियाज़ में करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लाहौर के जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी इसे इंप्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। जो हेलमेट इस्तेमाल नहीं करेगा उसमें जो हमारे मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में जो मुतलका सेक्शन है उसके तहत उसका जो है हम चलान करते हैं, उसको फ़ाइन किया जाता है। लेकिन अगर रिपीटेडली ये वायोलेशन करेगा तो फिर हमें उसके अगेंस्ट जो है वो फिर ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लेना होगा। जी बिल्कुल, सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मलही कहते हैं कि अगर बार बार ये खिलाफवर्जी की जाएगी तो उसकी जो है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत जो है मजीद उसके खिलाफ जुर्माना भी मजीद दायर किया जाएगा और कोई अगर उसमें दफात ऐसी होगी तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी आपका